सो फ्रेंड्स, होली आने वाली है और होली पर तो तरह तरह के पकवान घरों में बनाए जाते हैं और गुजिया तो हर बार बनती है, लेकिन इस तरह से एक बार ये चंद्रकला की रेसिपी आप बनाकर देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और बिल्कुल हलवाई स्टाइल में हम इस चंद्रकला की रेसिपी को बनाकर तैयार करेंगे। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, चंद्रकला तो कला है, तो इसमें कलाकारी जो हम करेंगे बहुत ही बढ़िया और बहुत ही मज़ा आएगा आपको इस रेसिपी में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ये टेस्टी से चंद्रकला की रेसिपी को। तो इसको बनाने के लिए हम लेंगे एक कटोरी मैदा और इसके अंदर हम डालेंगे बिल्कुल पिंच ऑफ नमक। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि हमने नमक क्यों डाला। तो ये देखिए, हमने नमक डाला है बिल्कुल जरा सा, पिंच ऑफ डालना है और हल्का सा इससे थोड़ा सा गोला बना लेंगे और बीच में डालेंगे हम ये 4-5 चम्मच। मैंने ये घी लिया है, ना ये ज़्यादा पिघला हुआ है और ना ही ज़्यादा जमा हुआ है, इसी तरह का हमें घी लेना है। और अच्छी तरह से हम इस मोयन को जो मैदा है उसके साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे बढ़िया से, और कम लगेगा तो हमें हम इसमें बाद में भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, हम मुट्ठी बना रही हूँ और हमारी जो मुट्ठी है वो बन नहीं रही मैदे की, तो इसका मतलब इसमें जो मोयन है वो बहुत कम है अभी, तो जो बचा हुआ घी है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छी तरह से क्रम्बल कर लेंगे मैदे को घी के साथ। तो अब मुट्ठी बांधते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल परफेक्ट है, निशानी है खस्ता बनाने के लिए। और ये देखिए, बिल्कुल अच्छी तरह हमारी मुट्ठी बन रही है, तो इसका मतलब बिल्कुल परफेक्ट है, हमें इसमें और घी डालने की जरूरत नहीं है। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका हम बिल्कुल हार्ड डो लगाएंगे। सॉफ्ट डो बिल्कुल भी नहीं लगाना है, बिल्कुल हार्ड डो हमें इसका जो है लगाकर तैयार करना है, बिल्कुल टाइट डो लगाना है। तो अच्छी तरह से को मसलते हुए, क्रम्बल करते हुए हम इसको लगा देते हैं। तो ये देखिए, मैंने सारे आटे को अच्छी तरह से इकट्ठा कर लिया है और हमारा जो डो है वो अभी बहुत टाइट है, तो इसको हम थोड़ा सा ढक के रख देते हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर देंगे और हल्का सा ऊपर से घी लगा देते हैं ताकि ये सूखे ना, पपड़ी ना आए इसके ऊपर। तो इस तरह से प्लेट या फिर गीला कपड़ा भी हम इसके ऊपर रख सकते हैं। तो अब हम ले लेते हैं एक छोटी सी कढ़ाई जिसके लिए हम स्टफिंग बनाएंगे, और इसमें हम डालेंगे ये एक कटोरी खोया है जिसको मैंने थोड़ा सा ग्रेट कर लिया था। ग्रेट करने से थोड़ा सा आसानी से अच्छी तरह से भुन जाता है ये। ये मैंने 200 ग्राम मावा लिया है और अच्छी तरह से इसको लगातार चलाते हुए हम इसको भूनेंगे, और बिल्कुल लो फ्लेम पर भूनना है, हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं भूनना और ना ही हमें इसके अंदर कोई कलर लेकर आना है, बिल्कुल थोड़ा सा इसको भूनना है। तो ये देखिए, मावा जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है और अच्छी तरह से भून भी गया है, तो इससे ज़्यादा हम इसको नहीं भूनेंगे। ऐसा करने से इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। आप इस तरह से चंद्रकला बनाएंगे तो इसको आप 4-5 दिन के लिए, हफ्ते भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसको हम हटा देते हैं और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद हम इसका बाकी का प्रोसेस करेंगे। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम अपनी चंद्रकला के लिए चाशनी बना लेते हैं। तो उसके लिए ले लेते हैं हम इस तरह से एक पतीला या कढ़ाई, कुछ भी ले लीजिए, और उसके अंदर हम डालेंगे ये एक कटोरी चीनी। मेजरमेंट का बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान रखें। ये मैंने एक कटोरी चीनी ली है तो उसके साथ मैंने ये आधा कटोरी पानी इसमें ऐड किया है, और इसको लगातार चलाते हुए हम इसको जो है पिघलने देंगे। हमें कोई दो तार की या एक तार की चाशनी नहीं बनानी है, इसे सिर्फ थोड़ा सा चिपचिपा सा बनाना है। तो चीनी को लगातार चलाते रहें, नहीं तो नीचे से जो चीनी है वो जल जाएगी, इसीलिए हमें इसको लगातार चलाते हुए पकाना है। और इसी के साथ मैं इसमें थोड़े से धागे केसर के डालूंगी। आप चाहें तो इसमें इलायची का पाउडर, इलायची के फ्लेवर के साथ भी इसको बना सकते हैं, और अच्छे से इसको उबाल आने देते हैं लगातार चलाते हुए। ये देखिए, चाशनी में अच्छे से उबाल आ गया है और 2-3 मिनट को पकते हुए हो गए हैं, और अब हम इसको चेक कर लेते हैं। हमें कोई एक तार या दो तार की चाशनी नहीं चाहिए, तो इसको इस तरह से हमें चिपचिपा सा लगे, बस इतना सा ही। तो ये इस तरह से बनकर तैयार हो गई है, और अब हम गैस को कर देते हैं बंद, और इसमें से केसर की बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। और अब हम इसमें डालेंगे 4-5 बूंदे नींबू की, और इससे क्या होगा कि जो चीनी का चाशनी जो जम जाती है ना, सफ़ेद सफ़ेद हो जाती है, वो चाशनी इसके ऊपर जमेगी नहीं, हमारी चंद्रकला के ऊपर। तो अच्छी तरह से इसको भी मिक्स कर देते हैं, और अब देख लेते हैं हमारा मावा भी ठंडा हो गया होगा। तो ये देखिए, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर हो गया है, ठंडा हो गया है। और अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे, तो इसके साथ हम इसमें डालेंगे थोड़े से चिलौंजी ली है मैंने, ये ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद के हिसाब से ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। और थोड़ा सा मैं इसमें बारीक कटा हुआ काजू डालूंगी, और इसी के साथ हम इसमें बारीक कटे हुए, लंबाई में कटे हुए पिस्ता और बादाम, और साथ ही फ्लेवर के लिए मैं डालूंगी इसमें थोड़ी सी
इलायची का पाउडर और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देते हैं ताकि जो थोड़ी बहुत इसमें गर्माहट है वो भी बिल्कुल ठंडा हो जाए। उसके बाद हम इसमें चीनी मिलाएंगे। तो देखिए खोया बिल्कुल ठंडा हो गया है और अब हम इसमें डालेंगे 4 चम्मच बूरा लिया है मैंने, आप चाहें तो इसके अंदर पिसी हुई चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास बूरा नहीं है तो चीनी को थोड़ा सा मिक्सी में पीस लीजिए, आपका शुगर पाउडर तैयार हो जाएगा, वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारी टेस्टी सी स्टफिंग जो है चंद्रकला की बनकर तैयार हो गई है। बस इस बात का ध्यान रखें कि खोया बिल्कुल ठंडा हो तभी हमें इसके अंदर शुगर वगैरह जो है मिक्स करनी है। और अब हम इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे इस तरह से, बिल्कुल मीडियम साइज की। देखिए इतनी बड़ी बड़ी हम इसमें गोलियां बना लेंगे सभी मिक्सचर की। तो देखिए इस मिश्रण से हमारी 8 गोलियां बनकर तैयार हो गई हैं। और अब हम आटा चेक कर लेते हैं। तो देखिए आटा देखते हैं, इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा हम मिक्स कर लेंगे, मसल लेंगे थोड़ा सा, इस तरह से मसलते हुए थोड़ा सा और चिकना कर लेंगे। पानी वगैरह या कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही थोड़ा सा कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा डो जो है बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो गया है। और अब हम इसके 2 हिस्से कर लेंगे, 2 पार्ट कर लेंगे और इसका एक बड़ा सा पेड़ा बनाएंगे। और इसको सरफेस पर रखते हुए इस तरह से बेलन से इसको पतला पतला बेल लेंगे, जैसे कि रोटी या पूरी होती है बस उतना ही पतला हमें इसको बेलना है और थोड़ा बड़ा सा इसको हम बेल लेंगे। आप चाहें तो अलग अलग छोटी छोटी जैसे पूरियां बनाते हैं वैसे छोटी छोटी लोइयां बनाकर अलग अलग से एक एक बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से बनाने से जो है हमारी पूरियां जो है एक साइज की बनेंगी और साथ ही एक साथ हमारी बहुत सारी पूरियां निकल जाएंगी, हमें अलग अलग बेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए रोटी जैसा पतला मैंने इसको बेल लिया है, आपको नीचे से सरफेस दिखाई भी दे रहा होगा। और अब हम ले लेंगे एक गिलास और उसकी सहायता से छोटी छोटी पूरियां हम इसकी निकाल लेंगे। पूरी वाला साइज नहीं चाहिए हमें, पूरी से थोड़ा सा छोटा हमें इसका साइज चाहिए होता है। तो ये गिलास की जो गोलाई है ये बिल्कुल परफेक्ट है, इतनी ही बड़ी हमें पूरियां चाहिए इसकी। तो इस तरह से प्रेस करते हुए सारी पूरियों को हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए एक साथ हमारी 5 पूरियां बनकर तैयार होगी और वो भी बिल्कुल इक्वल साइज में, ना कोई छोटी ना कोई बड़ी, और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो गई हैं। और ये जो साइड वाला बचा हुआ आटा है इसको भी हम दूसरे आटे के साथ अच्छी तरह से ढककर रख देते हैं ताकि उसके ऊपर पपड़ी ना आए। और अब हम ले लेते हैं ये एक पूरी, एक हिस्सा ले लेते हैं और इसके ऊपर हम रखेंगे एक पेड़ा जो हमने बनाकर रखा था हमारी स्टफिंग का, इस तरह से रख देते हैं और साइडों में थोड़ा सा पानी लगा देंगे ताकि हम इसको चिपका पाएं। और ले लेते हैं दूसरा पीस और इस तरह से इसके ऊपर रखते हुए हल्का सा प्रेस कर देंगे और साइडों से किनारों से इसको दबाते हुए चिपका लेंगे बिल्कुल अच्छी तरह से। और फिर फिंगर की सहायता से इसको थोड़ा सा प्रेशर देते हुए इस तरह से थोड़ा सा बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से पूरी को थोड़ा दबाएंगे और ये इस तरह से थोड़ा सा बाहर आ जाएगा हमारा डो जो है वो, इस तरह से अच्छी तरह से बिल्कुल प्रेस कर देंगे, सील कर देंगे, ये खुल ना जाए, इसीलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो इसको हाथ में लेकर भी एक बार और अच्छी तरह से उंगलियों से अंगूठे से पूरा प्रेस कर देते हैं और उसके बाद हम इसको इस तरह से अंगूठे से इस तरह से दबाएंगे और इसको अंदर करेंगे, इस तरह से दबाएंगे और इस तरह से फोल्ड कर देंगे। बस इसी तरह से हमें इसको फोल्ड करना है और करना है इस तरह से, ये देखिए। और इसी तरह से हमारा प्यारा सा डिज़ाइन बन जाएगा हमारी चंद्रकला के ऊपर। तो ये देखिए इस तरह से हल्का सा बाहर की तरफ प्रेस करते जाएंगे और मोड़ते जाएंगे। इसमें बहुत ही आसानी से हो जाता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, लेकिन बहुत ही प्यारा सा हमारा डिज़ाइन जो है वो बनकर तैयार होता है। तो बिल्कुल हलवाई स्टाइल में हमारी जो है चंद्रकला बनकर तैयार हुई है। मैं आपको एक और बनाकर दिखाती हूँ। तो इस तरह से पेड़ा रखेंगे और इस तरह से चिपकाएंगे इसके ऊपर, हाथों से किनारे दबाते हुए इस तरह से दबाएंगे और इसको फिर हाथ में उठा लेंगे सावधानी से और हाथों से भी इसको चारों तरफ से इस तरह से सील कर देंगे बढ़िया से। और इसको सील करते हुए बस उसी तरह से छोटा सा किनारा बाहर निकालेंगे, दबाएंगे, बाहर निकालेंगे, दबाएंगे और फोल्ड करते हुए इस तरह से बनाते जाएंगे। इनको बनाते हुए बहुत मज़ा भी आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए हमारी दूसरी चंद्रकला भी बनकर तैयार हो गई है। बस इसी तरह से सभी को हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारी सारी चंद्रकला बनकर तैयार हो गई है, हमने सबको फोल्ड करके रख लिया है। और अब हम कढ़ाई ले लेते हैं और उसमें मैंने ये ऑयल लिया है, आप चाहें तो देसी घी में भी बना सकते हैं।
मैंने ये ऑलिव ऑयल लिया है और इसको हम हल्का गर्म करेंगे, ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, मीडियम हीटिंग इसकी होनी चाहिए। तो इस तरह से ये छोटी सी गोली डालकर तो देख लेते हैं। ये देखिए हल्के हल्के से बबल्स इसमें आ रहे हैं, बस इतना ही गर्म हमें ऑयल चाहिए, इससे ज़्यादा हम इसको गर्म नहीं करेंगे। और इसके अंदर हमारे जो चंद्रकला हमने बनाकर तैयार की हैं वो सभी को फ्राई कर लेंगे बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर। हाई फ्लेम ना करें और ना ही बिल्कुल स्लो फ्लेम करें, बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर हमें इसको जो है फ्राई करना है। अगर हम हाई फ्लेम पर करेंगे तो मैदा जो है अंदर से कच्चा रह जाएगा और हमारी चंद्रकला बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी और बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनेगी। तो ये देखिए हल्का सा इनके ऊपर कोटिंग आ गई है और अब हम इसको थोड़ा सा छेड़ सकते हैं। तो इस तरह से हल्का हल्का सा हिलाते हुए इसको हम फ्राई करेंगे ताकि चारों तरफ से इवनली कलर आए हमारी चंद्रकला के ऊपर। ये देखिए हल्का हल्का कलर आ गया है और बस इसी तरह से थोड़ा सा हिलाते हुए हम ऑयल को हिलाते हुए इसको फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए अच्छी तरह से हमारी जो चंद्रकला है वो फ्राई हो गई है, बढ़िया सा कलर आ गया है इसमें। इससे ज़्यादा हम इसको नहीं फ्राई करेंगे, अब हम इसको निकाल लेते हैं क्योंकि ठंडा होने के बाद इनका कलर और भी डार्क हो जाएगा। तो इतना लाइट जो है हमें इसको फ्राई करना है। तो निकाल लेते हैं इसे और इसी तरह से बाकी की हमारी चंद्रकला जो है उनको भी हम फ्राई कर लेंगे। जब भी आप आटे से या मैदे से कोई भी मीठा बनाएं तो उसके अंदर थोड़ा सा नमक जरूर डालें, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है उससे। और ये देखिए हमारी चाशनी को मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया है, ठंडी चाशनी में बिल्कुल भी ना डालें, हल्का सा गुनगुना कर लें इसको, उसके बाद ही गर्म चाशनी के अंदर हमें इनको डालना है। तो इसके अंदर डिप कर लेते हैं, हमें ज़्यादा देर तक इसके अंदर डिप करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2-3 मिनट के लिए हम इसको इसके अंदर रखेंगे, इस तरह से कोट कर लेंगे। और इसके अंदर बिल्कुल भी चीनी की चाशनी नहीं जमेगी क्योंकि हमने इसके अंदर नमक डाला था। तो ये देखिए कितनी बढ़िया सी हमारी चंद्रकला बनकर तैयार हो गई है, बिल्कुल चाशनी में डूबी हुई। तो सारी जो गुजिया हैं वो भी जो तली थी मैंने दूसरी, वो वाला बैच भी मैंने इसमें डाल दिया है और इनको भी निकाल लेते हैं और बिल्कुल हलवाई स्टाइल में हम इसकी प्लेटिंग करेंगे बहुत ही बढ़िया सी। और इस बची हुई चाशनी को आप बाद में किसी भी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं हलवा वगैरह बनाने में। ये देखिए हमने सारी मिठाई को इस तरह से प्लेट के अंदर अरेंज कर दिया है और ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डालेंगे बारीक कटे हुए, काजू है, बादाम है, पिस्ता है, सभी को हम इस तरह से इसके ऊपर लगा देते हैं। और थोड़ा सा मैं इसके ऊपर चांदी का वर्क लगाऊंगी जिससे हमारी मिठाई जो है बिल्कुल हलवाई स्टाइल लगेगी और बनी भी बिल्कुल हलवाई स्टाइल में है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा मैं तोड़ तोड़ कर इस तरह से चांदी का वर्क इसके ऊपर लगा दूंगी। तो ये लीजिए हमारी हलवाई स्टाइल बढ़िया सी जो चंद्रकला की रेसिपी है बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है, बहुत ही टेस्टी बनी है। और इस तरह से आप एक बार बनाकर देखिए, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ही मज़ा आएगा इस तरह से जब ये आप डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हलवाई स्टाइल हमारी मिठाई बनकर तैयार हो गई है। सो फ्रेंड्स, आपको मेरी चंद्रकला की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर, और इन्जॉय कीजिए टेस्टी सी चंद्रकला की रेसिपी को। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि मैं ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपीज आपके लिए लाती रहूँ।